आशुतोष आपसे शुरू करना चाहती हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है इस याचिका को, इस हवाले की याचिका को, लेकिन यह बहस इंडिया और भारत इसके मूल में जाने की जरूरत है कि क्या वाकई ये औपनिवेशिक काल की दास्तां का प्रतीक है इंडिया नाम, या फिर जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं जब पढ़ रही थी तो मेगस्थनीज का जिक्र आया और 325 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट मेगस्थनीज ने भारत से लौटकर किताब लिखी जिसका नाम दिया इंडिका। जड़ें कहां से शुरू होती हैं? देखिए गरिमा जी, इसके थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, तीन चीजें हैं। पहली बात, नाम में क्या रखा है, नाम बदल दीजिए। मुंबई पहले बंबई था, तो क्या बंबई मुंबई होने के बाद बदल गया पूरी तरीके से? मद्रास था, चेन्नई कर दिया, क्या उसका स्वरूप बदल गया क्या? तो नाम में क्या रखा है, अगर आपको लगता है बदलना है तो बदल दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले उस बदलाव की शुरुआत तो आरएसएस को करनी पड़ेगी, और जहां तक मेरी जो भाषा पे पकड़ है, आरएसएस या अंग्रेजी का शब्द है, तो सबसे पहले आरएसएस का नाम बदलो। आप रखो उसका नाम तो राकेश जी को कहना चाहिए कि आरएसएस नहीं कहेंगे, आज से हम कहेंगे र स्वा सा। तो आप अच्छी बात करते हैं कि इंडिया का नाम बदलना चाहिए, बदलिए, लेकिन पहले आरएसएस का नाम र स्वा सा कर दें। राष्ट्रीय का र, स्वयं सेवक का स्वा और संघ का संग, र स्वा सा यह कर दीजिए नाम, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये सारी की सारी डिबेट इसलिए है, इसलिए शुरू की गई है क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हो गया है। अब इस इंडिया शब्द से जिसको ये उनका कॉपीराइट समझते थे उससे इनको प्रॉब्लम हो गई है, तो अब ये अंदर खटखटाहट बेचैनी महसूस हो रही है और ये उसका एक तरीके से बाहरी प्रकटीकरण है। लेकिन ज्यादा गंभीरता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, और मोहन भागवत जी को यह बात कहने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। सोचना इसलिए चाहिए कि जिन लोगों ने भारत का संविधान बनाया, जिन्होंने इस नाम को भारत के संविधान में रखा, उन्होंने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं, सालों साल जेल में रहे हैं, लाठियां खाई हैं, यातनाएं सही हैं, फांसी के फंदे पर झूले हैं, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, जिनमें सरदार पटेल भी थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिनमें न जाने राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे। आप उनकी समझ को, आपके उनको तो जैसे मोहन भागवत के हिसाब से उनको तो समझ ही नहीं थी, ये सारे लोग तो जानते ही नहीं थे कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है, औपनिवेशिक मानसिकता क्या होती है। तो जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कुर्बानियां दी उनको आज मोहन भागवत जी पाठ पढ़ा रहे हैं कि आप लोग दरअसल हिंदुस्तान को गुलामी की प्रतीक के शब्दों से कर रहे हैं, तो कृपया करके भारत के जो तमाम महापुरुष लोग हैं उनका अपमान न करिए। ठीक है आशुतोष, मैं समय दूंगी आपको। राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, 99.9% लोग जो हैं भारत के वो भारत कहना चाहते हैं। गरिमा जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब डीकॉलोनाइजेशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब आरएसएस के लोग अपनी बिलों में छुपे बैठे हुए थे। उस वक्त अगर ये बोलते, उस वक्त अगर इन्होंने शहादत दी होती, अगर उस वक्त ये फांसी के फंदे पर चढ़े होते तो इनको शहीद भगत सिंह के बारे में बात करने का अधिकार था। जब देश का पार्टीशन हो रहा था तब आरएसएस के लोगों ने अगर उस आजादी, उस विभाजन को रोकने के लिए अगर लाखों की संख्या में अगर बलिदान दिया होता तब तो मैं राकेश जी की बातों को सुनने के लिए तैयार होता। दिक्कत क्या है कि ये सरेआम सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद का अपमान कर रहे हैं क्योंकि ये उनके विवेक पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो लोग इतने अविवेकशील थे कि उनको ये नहीं पता था कि अगर आप इंडिया शब्द का इस्तेमाल अगर संविधान में करेंगे तो वो कॉलोनाइजेशन का प्रतीक होगा। और ये कमलापत त्रिपाठी, ये संघ के लोगों की आदत है, वो एक नाम यहां से पकड़ लेंगे, एक नाम वहां से पकड़ लेंगे, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत क्या है इनके साथ, दिक्कत इनके साथ ये कि जब भारत का संविधान बना था तब गुरु गोलवालकर ने और आरएसएस ने भारत के संविधान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। दिक्कत क्या है, जब तिरंगा आया तब इन्होंने कहा तिरंगा जो है वो अपशकुन है, इन्होंने तिरंगा को मानने से इनकार कर दिया। और ये आज बैठकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं, ये इंडिया शब्द जो गठबंधन बना उसको बदलने की कोशिश करना। अन्यथा राकेश जी हमारे दोस्त, इनको कहना चाहिए कि सबसे पहले मैं आरएसएस शब्द का इस्तेमाल आज से जो नहीं करूंगा, आरएसएस नहीं करूंगा,
इनको कहना चाहिए कि हमारे गुरु गोलवलकर ने वो गलती की थी और उसके लिए मैं पब्लिकली माफी मांगता हूं कि जिन्होंने संविधान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। राकेश सिन्हा को ये माफी मांगनी चाहिए आरएसएस की तरफ से कि तिरंगा का हमने अपमान किया था, तिरंगा को अपशकुन कहा था, इसलिए हमें हम उसके लिए आज माफी चाहते हैं, हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। और भारत की संस्कृति के अंदर आप कहां तक जाएंगे? क्या जब आप साझी विरासत की बात करते हैं, संघ के लोगों को साझी विरासत के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब साझी विरासत की बात करेंगे तो उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, पारसी भी आएगा, सिख भी आएगा। आप सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने की बात नहीं करते, आप उसको एक मान के चलते हो और इसलिए सिख नाराज होता है। आप मुसलमानों को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते, अलग करने की बात करते हैं आप, और आप यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आजादी की लड़ाई में हिस्सा न लेने के लिए राकेश सिन्हा को यहां बैठ के माफी मांगनी चाहिए और कहनी चाहिए कि मैं कान पर हाथ रख के कहता हूं कि हमारे और हमारे पुरखों से बहुत बड़ी गलती हुई, आरएसएस की जिंदगी का अक्षम्य अपराध है, इसलिए हम अब उसको गलती माने, तब मैं इनके साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हूं, अन्यथा आप यहां बड़ी बड़ी डीकोलोनाइजेशन। हाँ राकेश जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर, आरएसएस जैसे आशुतोष कह रहे हैं अंग्रेजी से आया आरएसएस, और फिर तो बड़ी ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। पता नहीं आशुतोष जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो इनसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, राष्ट्र स्व स ही लिखते हैं, आरएसएस तो आप लिखते हैं, आप हमें कहते हैं, आप सुनिए मैंने कहा देखिए हम भाषा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजी फ्रेंच या पर्शियन लैंग्वेज हमारे लिए कोई टैबू नहीं, कोई सुनिए मैं छोटी बात कर दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा है गरिमा जी, मैं आशुतोष आ रही हूँ, आशुतोष जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, राकेश सिन्हा की बात जवाब दे देता हूँ आशुतोष जी, मैं 30 सेकंड में देखिए आजादी की लड़ाई हिस्सा ना लेने के लिए ये माफी मांगेंगे, मैं उसी का जवाब देता हूँ, आप शकुन कहने के लिए माफी मांगेंगे या नहीं माफी मांगेंगे, जवाब ले लेते हैं राकेश जी। आपके घर में पुस्तकालय में गढ़ी हुई बातों को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो आपने एक ऐतिहासिक सवाल उठाया उसका जवाब मैंने जब आप एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेरा इंटरव्यू करते थे तो मैं दर्जनों बार दिया था और उसका मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए, 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ने, सरसंघचालक यानी आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने सरसंघचालक पद छोड़कर स्वयंसेवकों के साथ गए। क्यों छोड़ा पद? डॉक्टर हेडगेवार जी अकेले ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में दो झंडा, दो नेतृत्व, दो मंच नहीं होना चाहिए। और ऐसा किसी व्यक्ति ने अपने आजादी की लड़ाई में संघ अधिकारियों ने मेमोरेंडम किया, ना डायलॉग किया, संघ अकेला संगठन है जो आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर इस देश में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की तैयारी कर रहा था। ये सब रिकॉर्ड विद्यमान है। इतिहास क्या है उसके लिए, इतिहास क्या है उसके लिए, मेरे साथ अंजी उपाध्याय मौजूद है, डॉक्टर अजय उपाध्याय है, आशुतोष जी लौटूंगी मैं दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगी निश्चिंत। 30 सेकंड के लिए बस, 30 सेकंड में बातचीत खत्म हो जाएगी। देखिए जब त्रावणकोर के राजा ने जब अपने आप को हिंदुस्तान से अलग कर लिया, तब आज भारत की एकता अखंडता की बात करने वाले लोग, सावरकर ने उनका स्वागत किया था, और अगर त्रावणकोर के रास्ते पर देश के तमाम दूसरे रास्ते चली होती तो आज हिंदुस्तान इंडिया भारत नहीं होता, टुकड़े हो गए होते। उस सावर नहीं होता, किसी में दम नहीं है। ये बहस अंतिम है आशुतोष जी, बहस अंतिम है। आईसीएमआर से मेरे साथ होमजी उपाध्याय भी हैं, उनसे मैं आईसीएचआर से उनसे मैं इतिहास खंगलवाऊंगी, लेकिन